जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल हिंदू क्वीन ऑफ बोन्स टैरो रीडिंग 369 यूनिवर्स कॉलिंग पे। तो आज की जो ये रीडिंग है ये है शीना बोरा के बारे में। और अभी रिसेंटली जो उनकी मदर हैं इंद्रानी मुखर्जी, उन्होंने क्लेम किया है, उन्होंने कहा है कि शीना बोरा जो है वो ज़िंदा है और उन्होंने CBI से ये लेटर लिख करके बताया है। तो आज हम ये जानेंगे कि क्या शीना बोरा सच में ज़िंदा है, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स हैं उनके मैसेजेस आ रहे हैं कि आप एक बार इस टॉपिक पर वीडियो बनाएं। तो चलिए जानते हैं कि क्या शीना बोरा अभी भी ज़िंदा है। और जैसा कि उन्होंने बताया है इंद्रानी मुखर्जी ने कि उनकी कोई फ्रेंड है जिन्होंने बताया है कि वो जम्मू एंड कश्मीर में है इस समय। तो क्या ये सच है, ये आज हम यहाँ पर जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग। क्या शीना बोरा अभी भी ज़िंदा है? हम यहाँ पर 3 कार्ड्स निकालेंगे टू नो इफ शी इज अलाइव और नॉट। 1, 2 एंड फाइनली 3। इन कंटिन्यूएशन हमें यहाँ पे 2 of Cups आया है और एक कंप्लीटेड वर्ल्ड का कार्ड आया है। ये दोनों भी हम कंसिडर करेंगे। तो अगर हम इन कार्ड्स को यहाँ पर देखें, यहाँ पर तो हमें एक एक जो इवेंट हुए हैं वो दिख रहे हैं। सबसे पहला जो इवेंट है यहाँ पर 2 of Cups है, यानी कि शीना बोरा जो थी वो इनके जो तीसरे पति हैं उनका जो बेटा है उसको पसंद करती थी, क्योंकि उसको ये लगता था कि ये उनकी सिस्टर है, क्योंकि यही बोल के इंट्रोड्यूस किया गया था। तो यहाँ पर 2 of Cups है, यानी कि ये उनके जो बेटा है उनके साथ रिलेशनशिप में थी। यहाँ पर 3 of Wands है, साथ में 3 of Pentacles है। तो जब ये बात इंद्रानी मुखर्जी को पता चली है तो यहाँ पर जेलेसी है, गुस्सा है। लेकिन यहाँ पर शो क्या किया गया कि कोई बात नहीं, इट्स ओके, क्योंकि यहाँ पर 3 of Pentacles है जिसमें ये लेडी इसको ब्लेस कर रही है। तो यहाँ पर ये शो किया गया कि उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और धोखे से यहाँ 12 नंबर पे आप देखें तो एक पर्सन है जो एक सांप की बॉडी जैसा लग रहा है, जैसे कहीं मूव नहीं कर पा रहा, और इसके सर पर एक चाकू है जो मारा गया है। तो इस तरीके से जो शीना बोरा है उनको इन्होंने कैलकुलाइज किया, कोई मेडिसिन दी या बेहोश किया कि वो मूव ही नहीं कर पाई, और इसी कंडीशन में उसको, क्योंकि 12 नंबर है और यहाँ भी 12 नंबर कार्ड है, तो कुछ ऐसा किया कि वो, उसे खुद यकीन नहीं हुआ कि उनकी मदर उनके साथ ऐसा कर सकती हैं। यहाँ पर यह भी 12 नंबर कार्ड है, तो यहाँ पे कोई ऐसा पर्सन है जो ऐसा एक्शन लेगा जिससे कि बाकी लोग भी सरप्राइज हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो इंद्रानी मुखर्जी है ये उसी की एनर्जी है, और यहाँ पर उसने कुछ ऐसा किया कि उसके 3 हस्बैंड या जितने भी उसके हस्बैंड और जान पहचान के जो लोग थे वो सब सरप्राइज हो गए उसके इस एक्शन को देख करके। तो डेफिनेटली इसने यहाँ पर, अगर हम ये एनर्जी शीना बोरा की एनर्जी माने, तो इस तरीके से शीना बोरा को ट्रैंकुलाइज किया गया, उनको ऐसी मेडिसिन दी गई जिससे कि वो कुछ डिसीजन नहीं ले पा रही थी, उनका माइंड एकदम सुन हो गया। क्योंकि यहाँ पे चाकू जो है वो इस पर्सन के सर में है और बॉडी सांप जैसी है, मूव नहीं कर पा रहा। तो ऐसा ही कुछ हुआ शीना बोरा के साथ। उसके बाद यहाँ पे ये 12 नंबर कार्ड बताता है कि कुछ ऐसा किया गया जो अनबिलीवेबल था, यानी कि जो इनको मारने का जो इंसिडेंस बताया गया है वो एक्चुअल में हुआ है। तो यहाँ पर जो अब ये बता रही हैं कि ऐसा नहीं है, वो जिंदा है, ये एक इमेजिनरी स्टोरी है जो बताई जा रही है, क्योंकि ये एक्चुअल में हुआ है। शी हैज़ ऑलरेडी डन समथिंग जो लोग यकीन नहीं कर पा रहे हैं, तो शी हैज़ ऑलरेडी डन दिस थिंग। तो यानी कि अपनी बेटी को इस तरीके से मार दिया है। उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर एक डेविल है जो एक इस क्रीचर की तरफ भी चाकू लेके खड़ा है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ शीना बोरा को ही मारना था, इसके अलावा भी कोई और था जिसको मारने का ये सोच रही थी, लेकिन वो उधर से भाग गया। अगर आप देखें यहाँ द स्टार कार्ड है जिसमें ये जो पर्सन है ये यहाँ से विंग्स लगे हैं, यहाँ से भाग गया। तो इस जगह से ये पर्सन टाइम रहते चला गया, नहीं तो यहाँ पर सिर्फ शीना बोरा नहीं, कोई और भी था जिसकी मृत्यु हो सकती थी। यहाँ पर ये सब चीज़ें हुई हैं, और यहाँ पे कंप्लीटेड वर्ल्ड का जो कार्ड आया है ये बताता है कि जो ये ज़मीन है जहाँ पर उसकी जली हुई बॉडी मिली थी, तो ये शीना बोरा का ही रिमेन्स थे, ये किसी और के रिमेन्स नहीं थे। और ये एक जो अब जो स्टोरी बताई जा रही है वो एक इमेजिनरी स्टोरी है
जो बताई जा रही है, क्योंकि यहाँ पे इंसिडेंट्स स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर पूरे दिख रहे हैं। यहाँ पहला कार्ड उनके रिलेशनशिप को दिखाता है, किसी को पसंद करती थी, जब इंद्राणी मुखर्जी को पता चला, यहाँ जेलेसी है, गुस्सा है, फायर देख रहे हैं आप। और तीन ही नंबर कार्ड पे हमें यहाँ पे दो कार्ड्स आए हैं तीन नंबर पे, तो लेकिन उसने शो क्या किया कि मैं तो ब्लेसिंग हूँ, कोई बात नहीं, अगर रिलेशन है तो आई विल एक्सेप्ट दिस रिलेशनशिप। यहाँ तीन नंबर कार्ड, सेम कार्ड आया है यहाँ पर 12 नंबर कार्ड में, दिखाता है कि शीना बोरा जो है उसको कुछ ऐसी मेडिसिन दी गई या ऐसा कुछ दिया गया जिससे कि वो बेहोश हो गई और मूव नहीं कर पाई, और उसके बाद इस पर्सन ने कुछ ऐसा किया जिसको देख करके सब हैरान हो गए कि ऐसा कर भी सकता है कोई। यहाँ पर अगला एक और पर्सन टारगेट पे था, लेकिन वो पर्सन वहाँ से बच के निकल गया, जैसे कि यहाँ पर ये पर्सन जा रहा है, तो ये पर्सन यहाँ से बच के निकल गया और यहाँ पर शीना बोरा को मार करके इस जगह पर छोड़ दिया गया, जो ये जगह आप देख रहे हैं। यहाँ पर हमें और भी प्रूफ मिल सकते हैं, जहाँ से उसकी बॉडी मिली थी शीना बोरा की, वहाँ से और भी प्रूफ मिल सकते हैं, क्योंकि जो ये कप है ये अभी भी वहाँ पर है, ये जो ब्लड आप देख रहे हैं, कुछ ना कुछ और एविडेंसेस हैं जो वहाँ मिलेंगे। अभी अगर आने वाले समय में सीबीआई वहाँ जाकर के और इंक्वायरी करेगी, तो अभी भी बहुत सारे रिमेन्स, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे मिल जाएंगी जो इस चीज़ को कंफर्म करेंगी कि वो शीना बोरा की ही बॉडी थी। तो यहाँ पर जो ये बातें बोली जा रही हैं, ये सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए इंद्राणी मुखर्जी एक नया दाव चल रही हैं, और किसके कहने पर ये दाव चल रही हैं ये भी हम देख लेते हैं कि अचानक से इतने सालों के बाद, 2015 के बाद, अब 5 से 6 साल के बाद, ये कहाँ से एक नया पैंतरा शीना बोरा के केस में चला जा रहा। थ्री ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पर ऐसा लगता है कि वो इतना ज़्यादा दुखी है इस समय कि उसको लग रहा है कि किसी भी तरीके से इससे निकलना है, किसी भी तरीके से इस सिचुएशन से बाहर निकलना है, और यही कारण है कि वो अंधेरे में तीर चला रही है। जैसे आप देखें यहाँ पे पूरा अंधेरा है और अंधेरे में यहाँ तीर चलाया जा रहा है, तीर चलाया जा रहा है जिससे कि कहीं तो लगेगा, कुछ तो होगा, और यहाँ पे एक सूर्य दिख रहा है, यानी कि ये यहाँ से अपने आप को बचाने के लिए एक एक्शन लिया जा रहा है कि इस अंधेरे से इस रोशनी में आ जाऊँ, यहाँ पे एक अंधेरे में एक तीर चलाऊँ और ये रोशनी मुझे मिल जाए, कुछ ऐसा हो जाए। तो ये एक पैंतरा है, एक तरीका है अपने आप को बचाने का, तो यही मुझे यहाँ पर देखना था, और बहुत ही क्लियर है यहाँ पर जो भी एनर्जीज आई हैं। यहाँ पर अभी अपने आप को बचाने की एक आखिरी कोशिश की जा रही है, अंधेरे में तीर मारा जा रहा है जिससे कि कहीं तो जाके निशाना लगेगा और फिर से ये रोशनी जीवन में आ जाएगी जैसे पहले ही था, पहले जिस तरीके से वो हर जगह शाइन कर रही थी, इतनी कामयाब थी, इतना पैसा था, सब कुछ था, वैसा ही सब कुछ हो जाएगा, ये अंधेरा चला जाएगा। तो एक कोशिश की जा रही है यहाँ पर, उससे ज़्यादा ये कुछ भी नहीं है। और उम्मीद करती हूँ इस रीडिंग से थोड़ी क्लैरिटी आपको मिली होगी, और अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर है 9899000366। जय श्री राम, जय भारत।